children, Ravi sir here. Dear children, today we shall discuss a triumph of surgery. The first unit in Footprints Without Feet, a supplementary reader in English for class 10. But before we proceed with the unit, first let's have a brief introduction to the author first. Children, this story has been written by a British author, James Alfred White, better known by his pen name, James Herriot. Born on 3rd October 1916 in Sunderland, County Durham, England, he was a veterinary surgeon in Yorkshire for 50 years. He started his career as an author at the age of 15. With a series of 8 books, first one titled If Only They Could Talk, published in 1970. In this series of books, he shares his experiences about different pet owners. He died on 23rd February 1995 at the age of 78. After the short introduction to the author, now let's see what's the unit about. A Triumph of Surgery is an interesting story about a rich lady named Mrs. Pumphrey and her over-pampered pet dog named Tricky. Blinded by her love and care for her pet dog, Mrs. Pumphrey forgets the universal fact that excess of everything causes bad results. True to this fact, this overfed Tricky falls seriously ill and needs to be hospitalized. Now what happens next? Does Tricky recover? If yes, then how? Let's read the story and find out the answer. Dear children, instead of having a shortcut summary of the unit, I think you should understand the story in the context of its proper plot structure. That is, the sequence of all the events one by one, so that you can easily answer any tricky questions asked from this unit. Right. So, let's get started with the unit. Dear children, the story begins with the author's meeting with Mrs. Pumphrey on the road. हमारी इस स्टोरी के नरेटर यानि ऑथर डॉक्टर जेम्स हैरियट अपनी कार को ड्राइव करते हुए रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र उनकी पुरानी क्लाइंट मिसेस पम्फ्रे, जो उनके प्यारे से पेट डॉग ट्रिकी को लेकर जा रही थी, उन पर पड़ी. When he saw Tricky in the street with his mistress, Mrs. Pumphrey, जब ऑथर ने Tricky को उसकी मालकिन Mrs. Pumphrey के साथ जाते हुए देखा, तो he pulled up his car. ऑथर ने अपनी कार रोक ली. He was shocked at his appearance. Tricky की हालत देखकर उन्हें बड़ा आघात लगा. He had become hugely fat. वो बहुत ही मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, एक फूले हुए पके हुए मीट की तरह, विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर. हिज ब्लड शॉट आइज, उसकी लाल आंखें, स्टेड स्ट्रेट अहेड, सीधी आगे की तरफ देख रही थी. एंड और हिज टंग, उसकी जुबान, लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़े से नीचे की तरफ लटक रही थी. द ऑथर वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस बार ऑथर को ट्रिकी की सच में बहुत ही चिंता होने लगी थी. मिसेस पम्फ्रे
हेस्टन टू एक्सप्लेन, तुरंत ही मिसेस पम्फ्रे ऑथर को समझाने में लग गई कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी वॉज सो लिस्टलेस। ट्रिकी बहुत ही बेचैन था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई ताकत ही नहीं रह गई थी। आई थॉट, मुझे लगा ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वो कुपोषण से पीड़ित हैं। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, उसका शरीर बनाने के लिए उसको मैं उसके सुबह दोपहर और रात के खाने के बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा भी खिला रही हूँ, जैसे कि सम माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। नथिंग मच रियली, ज़्यादा कुछ नहीं। तब ऑथर ने मिसेस पम्फ्रे से पूछा, डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मेरे कहे अनुसार क्या आपने उसकी मीठी चीज़ों पर कटौती की? तो मिसेस पम्फ्रे ने कहा, ओ आई डीड फॉर अ बीट, मैंने थोड़ा किया, बट लेकिन ही सेम टू बी सो वीक, वो इतना कमज़ोर दिख रहा था, दैट आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे नर्म होना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ही पसंद है, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, सो इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाती। ऑथर लुक डाउन अगेन एट द डॉग, ऑथर ने फिर से डॉग की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगे, दैट वॉज द ट्रबल, यही तो तकलीफ है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी में सिर्फ एक ही दोष था और वो था उसके खाना खाने की लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को मना नहीं कर सकता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, दिन हो या रात, वो कभी भी किसी भी वक्त पर खाना खाने के लिए तैयार रहता था। इन बातों के अलावा भी ऐसी कई सारी बातों के बारे में ऑथर सोचने लगे जो मिसेस पम्फ्रे हैडेंट मेंशन, जो मिसेस पम्फ्रे ने नहीं कही थी। फिर उन्होंने मिसेस पम्फ्रे से पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज कसरत करवा रही हो? तो शी सेड, उन्होंने कहा, वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हो मैं वो मेरे साथ थोड़ी वॉक कर लेता है, बट लेकिन हॉट किंग द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लंबेगो, उनका जो गार्डनर है हॉट किंग, वो लंबेगो की कमर की बैक पेन की बीमारी से, यू नो ही इज डाउन, बीमार है। सो इसलिए देर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कुछ वक्त से रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। The author tried to sound severe. Author ने सख्त लहजे में कहा, Now I really mean this. अब मैं आपसे सच में कह रहा हूँ, If you don't cut his food right down, अगर आप उसके खाने में अभी से कटौती नहीं करते and give him more exercise और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते, तो he is going to be really ill. वो सच में बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको उस अपने दिल पर पत्थर रख के उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना ही होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स एंड सेड, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है आप सही कह रहे हो, बट लेकिन इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल। एंड और शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वो सिर झुकाए रास्ते पर निकल गई, एज इफ जैसे डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे कि वो नए डाइट प्लान को जल्द ही अमल में लाने वाली हो। राइट, द ऑथर वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता से ऑथर उनको जाते हुए देख रहे थे।
Tricky was tottering in his little coat. Tricky उसके छोटे से कोट में लड़खड़ाते हुए चल रहा था. He had a whole wardrobe of these coats. उसके ऐसे कोट से एक पूरा वार्डरोब भरा पड़ा था. For the cold weather, सर्द मौसम में पहनने के लिए अलग कोट, and or a raincoat. For the wet days, बारिश के दिनों में पहनने के लिए अलग कोट. The author thought it wouldn't be long before he heard from Mrs. Pumphrey. Author को लगा कि जल्द ही Mrs. Pumphrey की तरफ से Tricky से related कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है. और ऐसा ही हुआ. The expected call came within a few days. थोड़े ही दिनों में Mrs. Pumphrey का कॉल आया. She was distraught. वो बड़ी परेशानी में लग रही थी. She said, Tricky would eat nothing. Tricky कुछ भी खा नहीं रहा है. Refused even his favorite dishes. उसने उसकी फेवरेट खाने को भी मना कर दिया है. And besides, इसके अलावा, he had bouts of vomiting. उसे उल्टियाँ पर उल्टियाँ हो रही हैं. He spent all his time lying on a rug, panting. पूरे वक्त वो रग पर हाफते हुए पड़ा रहता है. Didn't want to go for a walk. वॉक पर भी जाना नहीं चाहता. Didn't want to do anything. कुछ भी करना नहीं चाहता. The author had his plans in advance. ऑथर ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी. The only way was to get Tricky out of the house for a period. कुछ भी करके Tricky को कुछ वक्त के लिए उस घर से बाहर निकलना ज़रूरी था. The author suggested that Tricky be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. ऑथर ने मशवरा दिया कि Tricky को कम से कम 15 दिनों के लिए उनकी देखरेख में हॉस्पिटल में रखना होगा. The poor lady almost swooned. उस बेचारी मिसेस पम्फ्रे को जैसे कि बेहोश होने वाली थी. She was sure Tricky would pine and die if he didn't see her every day. उन्हें लगा कि अगर Tricky ने उन्हें ना देखा तो वो दुखी होकर मर जाएगा. But लेकिन author took a firm line. author अपनी बात पे अड़े थे. Mrs. Pumphrey's wailings. Mrs. Pumphrey को रोते बिलखते हुए पीछे छोड़कर he marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ब्लैंकेट में लपेटे हुए उस छोटे डॉग को लेकर वे कार की तरफ बढ़ गए. The entire staff was roused. पूरे स्टाफ को काम पे लगाया दिया गया था. The maids rushed in and out. घर की नौकरानियाँ Tricky का डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल, सपर बाउल लाने में लग गई. As the author moved off, जैसे ऑथर वहाँ से निकले, he looked in the mirror of the car. उन्होंने मिरर में देखा. Everybody was in tears. सभी की आंखों में आंसू थे. इस प्रकार कुछ भी करके ऑथर ने Tricky को उसके घर से निकाल कर उनके क्लिनिक पर ले ही आए. At the surgery, क्लिनिक पहुँचते ही the household dogs searched round the author. घर के आसपास के सभी कुत्ते Tricky के आसपास घूमने लगे. After sniffing round him for a few seconds, कुछ सेकंड्स तक Tricky को वो सूंघने लगे. और उसके बाद they thought, उन्होंने सोचा कि he was an interesting object and ignored him. Tricky को बोरिंग चीज़ समझ के उसे इग्नोर कर दिया. The author made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. ऑथर ने दूसरे डॉग्स के सोने के लिए जो बॉक्सेस बनाए थे उन्हीं के बगल में Tricky के लिए भी एक बॉक्स बना दिया. For 2 days, दो दिनों तक the author kept an eye on him. ऑथर ने उस पर नज़र रखी.
giving him no food but plenty of water. खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी देते गए. At the end of the second day, दूसरे दिन के एंड में, Tricky started showing some interest in his surroundings. Tricky अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी दिखाने लगा. And on the third day, और तीसरे दिन, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. यार्ड में दूसरे कुत्तों को गुर्राते देख वो भी गुर्राने लगा. Later that day, उस दिन के बाद, the author was present at feeding time. कुत्तों को खाना खिलाते समय ऑथर वहाँ हाजिर रहने लगे. The rest of the dogs were eating speedily. बाकी के सभी डॉग्स जल्दी जल्दी में खाना खा रहे थे. But Tricky didn't. लेकिन Tricky ने जल्दी नहीं दिखाई. When all the dogs had finished, जब सभी कुत्तों ने खाना खा लिया था, तब Tricky took a walk round the empty bowls. Tricky उन खाली bowls के आसपास घूमने लगा. Licked one or two of them, एक या दो bowls को, खाली bowls को वो चाटने लगा. Next day, अगले दिन, an extra bowl was put for him also. Tricky के लिए भी एक extra bowl रख दिया गया. And the author was pleased to see him jostling his way towards it. Author ये देखकर बड़े खुश हुए कि Tricky उस बाउल की तरफ उछलते हुए दौड़ पड़ा. From then on, उस दिन के बाद, his progress was rapid. उसमें बड़ा सुधार होने लगा. He had no medicinal treatment of any kind. उसे किसी भी प्रकार का medicinal treatment नहीं दिया गया था. All day he ran about with the dogs. पूरे दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता. He had never had such a time in his life. उसकी जिंदगी में कभी ऐसा मज़ा उसे नहीं आया था. At the other end, दूसरी तरफ, Mrs. Pumphrey called at the clinic a dozen times a day for the latest bulletins. Mrs. Pumphrey दिन में दर्जनों बार Tricky के बारे में जानने के लिए क्लिनिक पर फ़ोन करती रहती थी. टू नो, ये जानने के लिए कि उसके कुशंस रेगुलरली बदले जा रहे हैं या नहीं, उसे वेदर के मुताबिक कोट्स पहनाए जा रहे हैं नहीं. वो Tricky के लिए दो दर्जन फ्रेश एग्स रोज़ भेजा करती थी, लेकिन ऑथर और उनके स्टाफ मेंबर्स वो एग्स Tricky को देने के बजाय खुद ही ब्रेकफास्ट में खा जाते थे. मिसेस पम्फ्रे Tricky के लिए वाइन की बॉटल्स भी बेचती, जो ऑथर और उनके स्टाफ मेंबर्स पी जाते. द ऑथर फेल्ट ही शुड कीप Tricky ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. ऑथर को लगने लगा था कि काश वे Tricky को परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लें. बट लेकिन ही थॉट ऑफ मिसेस पम्फ्रे. उन्हें मिसेस पम्फ्रे का ख्याल आया और इसलिए आफ्टर अ फोर्ट नाइट, 15 दिनों के बाद, ही कॉल्ड हर टू टेल हर दैट Tricky हैड रिकवर्ड. उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को कॉल करके बताया कि Tricky की हालत अब सुधर गई है और शी कुड टेक हिम अवे. वो उसे घर ले जा सकती हैं. और ये सुनते ही विद इन फ्यू मिनट्स, थोड़े ही मिनटों में, शी केम टू टेक हिम अवे. वो Tricky को ले जाने के लिए कार लेके आ गई. शी आस्क्ड, वो पूछने लगी, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच में बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में पहले से बेहतर है. ऑथर सेड, ऑथर ने कहा, यस ही इज फाइन, हाँ वो अब अच्छा है. There is no need for you to get out of the car. आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है. I'll go and fetch him. मैं ही उसे अंदर जाके ले आता हूँ. The author walked through the house and brought Tricky in his arms. ऑथर घर में गए और Tricky को अपनी बाहों में उठा के ले आए. The chauffeur was still holding the car door open. कार के ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा अभी भी खोल रखा था. When Tricky saw his mistress, जैसे ही Tricky ने उसकी मालकिन को देखा, he took off from the author's arms. वो author के बाहों में से उछल पड़ा और jumped into Mrs. Pumphrey's lap. Mrs. Pumphrey की गोद में छलांग मारकर चला गया.
दूसरी तरफ द ऑथर हेल्प द शॉफर टू कीप ट्रिकीज बेड्स कुशंस कोट्स बाउल्स टॉयज एट्सेट्रा एट्सेट्रा इन द कार। ऑथर ने ड्राइवर को कार में ट्रिकी की सारी चीज़ें रखने में मदद की। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे निकल पड़ी, मिसेस पम्फ्रे वॉज इन टीयर्स। मिसेस पम्फ्रे की आंसू में आंसू आ गए। शी सेड, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? दिस इज अ ट्रायंप ऑफ सर्जरी, ये आपकी आपके इलाज की जीत है। एंड विद दिस वर्ड्स चिल्ड्रन द स्टोरी कम्स टू एन एंड। डियर चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी थरली। दैट्स ऑल इन टुडे सेशन। सी यू सून विथ अ न्यू टॉपिक एंड अ न्यू होप ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। टिल देन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ टुडेज लर्निंग। बाय।